हम अपने लेकर आए हैं इंकोगो कंपनी की एयर स्प्रेयर गन जो कि 450 वॉट के अंदर है। इसके साथ आपको मैं आपको बात बता दूं, ये सबसे पहले तो इसका ये ट्रिगर है बहुत हैवी प्लास्टिक के अंदर, इसकी पूरी की पूरी बिल्ड हाउसिंग है, ये ट्रिगर है इसका, और ये है फ्लो रेट का रेगुलेटर। इसको ट्विस्ट करके आप फ्लो रेट इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऊपर कंपनी ने आपको स्विच दिया है, ये ऑन ऑफ का आपका स्विच है। इसके ऊपर सिलिकॉन कवर स्पेशली कंपनी ने आपके लिए इसलिए लगाया है इसके अंदर डस्ट या पानी ना जाए, आपकी मशीन लंबी चले। अगर आप इसके हैंडल की बात करते हो, फिर अगेन इंको कंपनी ने आपका पूरा ध्यान रखा है। इसका हैंडल जो है रबड़ के अंदर है और ये इजीली से ना आपका ये स्लिप होगा पसीने आने के बाद भी। ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप पेंट या किसी भी तरह का केमिकल भर सकते हो। अगर आप बात करते हो इसके नोज़ल की, तो इसके जो नोज़ल है ये मेटल के अंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसको ट्विस्ट करके आप ऐसे खोल लोगे, खोलने के बाद ये इसकी नोज़ल है पीतल की। बहुत सी कंपनियों में ये नोज़ल जो है प्लास्टिक की आती है, उसमें क्या होता है जब आप पेंट यूज़ करते हो तो वो पेंट कई बार उसमें फंस जाता है, या कोई आप ऐसे केमिकल स्प्रे करना चाहते हो जो प्लास्टिक को गला देता है तो आपको वहाँ समस्या आ जाती है, आपकी मशीन ख़राब हो जाती है। लेकिन मेटल की अगर नोज़ल है, खासकर पीतल की, तो आपको इस समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ये मिलती है आपको पॉइंट इसका, अगर आप इसको ऐसे सेट करते हो, अगर आप स्प्रे की बात करते हो, ये देखिए ये तीन तरीके से स्प्रे करती है, वर्टिकल, सर्कल और हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको ऐसे सेट करोगे तो वर्टिकल, ऐसे सेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल, और ऐसे सेट करोगे तो सर्कल में। इसको सेट करने के बाद आप, जैसे आपने इसको ऐसे सेट कर लिया, उसके बाद अगर आप इसको ऐसे, आपको इसको बंद कर देना है। अब आपकी जो मशीन है वो वर्टिकल में, जैसे ऊपर नीचे की तरफ होती है, मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे स्प्रे करेगी। ये तीनों तरीके से इस तरीके सेट होती है। ये कॉपर वाइंडिंग में, 100% कॉपर वाइंडिंग में मशीन है। इसकी 6 महीने की वारंटी होती है। इसकी तार की लेंथ देखिए, लगभग एक, अगर मैं बात करता हूँ तार की, एक और ये लगभग दो से थोड़ा सा कम, अगर मैं बात करता हूँ इधर तक होता था 2 मीटर होती, थोड़ा सा कम, ये लगभग 2 मीटर की तार आपको साथ में मिलती है। तार की क्वालिटी बहुत सुपर क्वालिटी की है। और ये आइए मैं अब आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, आप इसको लगातार जितनी मर्जी देर तक यूज़ कर सकते हो। पेंटर भाइयों, ये खासकर पेंटर भाइयों के लिए है। अगर वो हाथ से पेंट करते हैं या किसी लोकल मशीन से पेंट करते हैं तो जितना टाइम वो एक दिन में यूज़ करेंगे, ये 3 या 4 घंटे में उस वर्क को कम्प्लीट कर देगा। मैंने आपको ये नोज़ल दिखाई दी है इसका, ये जो रेगुलेटर है, ये इसकी पीतल की नोज़ल हो गई, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये 450 वोट की मशीन है। इधर से अगर आप देखोगे, ये सारे स्पेसिफिकेशंस है इसके, ये वाले, इधर आ जाइए। अब इस मशीन के साथ आपको ये 2 चीज़ें फ्री मिलती हैं, जो कि ये रही, ये जो कप है, इस कप का क्या सिस्टम है मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी कहती है अगर आप इसमें कोई भी पेंट डालते हो या कोई भी केमिकल डालते हो तो नीचे होल दिया हुआ है, ये जो कप है ये 30 सेकेंड्स के अंदर खाली हो जाना चाहिए, और तो ही आपकी मशीन पूरी तरह प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, और इसमें किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी मशीन को लंबा चलाना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को कपड़ छन भी कर सकते हो या छान सकते हो, उसके बाद इस मशीन को यूज़ करें। कई बार क्या होता है, मशीन को पेंट से यूज़ करने के बाद मैकेनिक ऐसे ही रख देता है, तो वो कुछ समय बाद है ना उसके अंदर वो पेंट जम जाता है, तो मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर नोज़ल खोलनी है तो आप इस पिन का यूज़ कर सकते हो, अगर आप देख सकते हो तो इस पिन का यूज़ करोगे नोज़ल खोलने के लिए। लेकिन अंदर की मशीन को साफ़ करने के लिए क्या टेक्निक है, जब आप पेंट को या डिस्टेंपर को यूज़ कर लेते हो, उसके बाद क्लीनिंग केमिकल को इस कंटेनर में भरा जाए और इस मशीन को थोड़ी देर के लिए चला दिया जाए, जिससे इस मशीन के अंदर जहाँ जहाँ पाइपिंग हुई हुई है, हाउसिंग है, कोई मेटल हाउसिंग है, उस वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है उस केमिकल के थ्रू वो क्लियर हो जाए। तो जैसे बाहर से नोज़ल आपने पिन से साफ़ करी है, अंदर से वो केमिकल आपकी पूरी मशीन को क्लीन कर देगा और आपकी मशीन की लाइफ बहुत लंबी चलेगी। इससे का जो है ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैंने ऑन कर दिया, अब इसका जो एयर का फ्लो है वो स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको इसका स्प्रे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो कैमरे में आ रहा है, ऊपर तक दिखाइए, ये इसका एयर का प्रेशर है। इसको अगर आपको इसको और तेज करना है तो इसको और खोल दीजिए स्प्रिंग को, इसको खोलने के बाद इसका स्प्रे और तेज हो जाएगा। ये देखिए,